क्योंकि गाइस मैं आज जिस टॉपिक पे आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि कलकत्ता बड़ा बाजार का काला सच, यानी कि कलकत्ता बड़ा बाजार नहीं अगर काला बाजार बन चुका है। उसका रीजन क्या है पता है? वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो स्किप मत करना, स्किप कर देने से आपका लॉस होगा, क्योंकि आज इस वीडियो पे बहुत कुछ आपको जानना है। YouTube में आप लोग वीडियो देखते हो, मगर आप लोग को पता है जो कोलकाता में क्या हो रहा है YouTube के अंदर? दोस्तों आज हम YouTube में बहुत ही अच्छा एक वीडियो मुझे मिला है दोस्तों, तो आज हम YouTube में हम सर्च कर देते, उसी टाइम हम एक वीडियो मेरे पास आया है दोस्तों। आज इस वीडियो हम देखे और सोचे भी, देखो क्या बोल रहे भाई। So guys, आज का जो वीडियो का शुरुआत है मैं हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, उसका पीछे का रीजन ये है कि मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए, क्योंकि इतने दिनों वीडियो में भैया ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। दोस्तों वीडियो को समझना है और आपको सोचना भी है दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है, चलो आगे देखते हैं। पॉसिबल हो सके मैंने आप लोगों का हेल्प किया, बट आज जो है ना मुझे मेरे लिए हेल्प चाहिए, और मेरे लिए हेल्प इसीलिए चाहिए कि आपका भला हो। क्योंकि गाइस मैं आज जिस टॉपिक पे आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि कलकत्ता बड़ा बाजार का काला सच, यानी कि कलकत्ता बड़ा बाजार नहीं अगर काला बाजार बन चुका है। उसका रीजन क्या है पता है? वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता। दोस्तों मेरे लिए हेल्प कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों छोटा सा शॉप चलाते, अगर आपके शॉप के सामने आके कोई भौंक दे कि भैया ये 20 रुपए में लेके आया है और आपसे 100 रुपए मांग रहा है, आपको कैसा लगेगा? तो सेम सीन मेरे साथ कल शाम को हुआ था, इस वजह से मैं काफी भड़का हुआ हूँ। देखो गाइस जब तक आपको कोई उंगली नहीं करता है ना, तब तक आप शांत रहते हो, चुपचाप रहते हो। वैसे मैं भी सोया हुआ था, ठीक है ना, मुझे उन सब चीजों से मतलब नहीं था। मैंने यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस देखे जो ऐसे हकते रहते हैं, मतलब उनका काम ही है सुबह उठे ब्रश किया। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो YouTube में क्या हो रहा है, रेट एकदम खुला में एक्सपोज हो रहा है, इसीलिए दुकानदार को प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। चलो सही है, बहुत ही क्यूट क्यूट आएगा, 20-30 में भी निकल जाएगा आपको। अच्छा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा जो पॉइंट ये है, आप बेशक दूसरों के दुकान पे जाइए, उनके बिजनेस को प्रमोट कीजिए, उसके साथ साथ आपका भी यूट्यूब का दुकान चलाइए, उससे मुझे या मेरे जैसे कोई दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें इस बात पे है, आप जो ये रेट बताते हो ना, ये वीडियोस पे रेट बताना बंद करो, ठीक है। आप उनका नंबर दे दो, जैसे आप स्क्रीन में शेयर कर देते हो, ठीक है, और वीडियोस के शुरुआत में ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हो, आप आके अपने हिसाब से सामान लेके जाना, अगर आपके साथ कोई चुना या फ्रॉड होता है उसकी जिम्मेदारी हम चैनल वाले नहीं लेंगे। ये काम मतलब कैसा है ना, हगने के बाद थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर देंगे, बस बात खत्म, वो नहीं, आप रेट बताओ ही मत। दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या पता चला? दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को यही पता चला, ये भैया ने बोलने चाह रहे हैं ये यहाँ पे जो छोटा दुकानदार लोग होता है ना, उससे कोई माल खरीद नहीं रहे, क्योंकि जो बड़ा दुकानदार है उन लोग यूट्यूबर्स को हायर करता है और खुले में एकदम पूरा एक्सपोज कर देता है उसका रेट वगैरह। तो जिसका बड़ा बिजनेस होता है वो तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा माल लेता है, उसका कम दाम में सेल कर देता है और एक्सपोज कर देता है दुकानदार रेट वगैरह यूट्यूबर्स को देके। तो दोस्तों यूट्यूबर्स को भी हम बोलने चाह रहे हैं, जो यूट्यूबर्स मेरा वीडियो ये देख रहे हो, तो प्लीज़ रेट को एक्सपोज मत करो, और एक्सपोज कर रहे हो तो एक काम करिए, पूरा रेट एक्यूरेट, जैसे कि पूरा सही रेट जो है वही रेट बताइए, मगर झूठा रेट मत बताइए, नहीं तो यहाँ पे छोटे दुकानदार लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। और इस भाई को मुझे एक चीज़ बताना था, आप बोल रहे हो जैसे कि रेट मत बताओ, दोस्तों रेट ना बताने से क्या होता है, YouTube में कोई भी वीडियो आप बिना रेट वाला डालो आपको व्यू नहीं आएगा, और सब्सक्राइबर लोग को या व्यूवर्स लोग को देखने में मज़ा भी नहीं आता है, तो इसीलिए रेट वगैरह बोलना पड़ता है। और हम भी पहले वीडियो बनाते थे, वहाँ पे हम रेट नहीं डालते थे, उसका व्यू नहीं आता था। तो दोस्तों वीडियो पे रेट ना बताने से उसको क्या दिखाएंगे, ये सब सामान दिखा के व्यू क्या आएगा और उसको समझ क्या आएगा जी मेरा पास ये माल है, ये माल है, ये माल है। रेट बताने से तभी तो इसमें मैंने वीडियो में बनाने का कुछ मैंने टॉपिक होगा ना, तो इसीलिए आप लोग रेट बताओ मगर एक्यूरेट रेट बताओ, और पूरा का पूरा रेट एकदम एक्सपोज मत करो, जैसे कि 10 से लेके 20 के अंदर आपको होगा या 10 से लेके 15 के अंदर होगा, इस टाइप का आप बोलिए, पूरा रेट मत बताइए यार, कुछ सस्पेंस रख दीजिए, जैसे कि दुकानदार को यहाँ पे आना पड़ेगा, वही पूरा एक्सपोज मत करिए। और यूट्यूबर्स को हम बोल रहे हैं जो आप लोग वीडियो बनाओ मगर रेट को पूरा एक्सपोज मत करो, थोड़ा बहुत बता दो, सबको मत बताओ, सब मैंने रेट मत बताओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही,
बाद बाकी बाद में देखो होगा। चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन कर देना, जैसे कि बड़ा बाजार का कोई भी टॉपिक हो और मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत रेट तो हम तो बताएंगे और न्यू अपडेट तो मेरा पास आता है और रेट मुझे बताना तो पड़ेगा ही ग्रॉसरी आइटम का, क्योंकि आप लोग घर बैठे आपको सही ठिकाना और सही रेट आपको मिले, इसीलिए हम ग्रॉसरी का रेट हम लोग डेली देते हैं अपडेट। तो मेरे पास तो आपको परमिशन तो मिलेगा ही जे रेट पता करने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।